गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। आज हम जानेंगे ओफट बोलस। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ओफट बोलस जो है वो दो टैबलेट के मिक्सचर से बना है। एक पहला ओफ्लॉक्सीन और दूसरा ऑर्निडोजोल टैबलेट। ये दो टैबलेट के मिक्सचर से आपका ओफट बोलस बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका उपयोग हम कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किन जानवरों को देना है, किन्हें नहीं देना है, क्या सावधानी रखनी है और किस जगह पे हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास सबसे पहले इस वीडियो का सारा डिटेल्स पहुँचे। इसके कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें ओफ्लॉक्सीन जो कि आपका 1000 mg है और दूसरा ऑर्निडोजोल जो कि आपका 2500 mg दिया हुआ है, और ये दोनों ही एंटीबायोटिक्स है एक बोलस पे, पर बोलस के हिसाब से। इसको उपयोग हम इसके फॉर्मूला या फिर इसके फॉर्मूला के मेडिसिन को हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन में कर सकते हैं जो कि पेट से रिलेटेड बीमारी होती है, जैसे आपका डायरिया हो गया है, डिसेंट्री हो गया है, दस्त हो गया है, मतलब पेट खराब हो गया है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो उसमें आप बहुत ही आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इसे देते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही जो यूरिनरी ट्रैक होता है, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया, जो मूत्र मार्ग की जगह होती है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया या फिर आपकी जानवर रुक रुक के पेशाब कर रही है या फिर यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, वहाँ पे भी इसका उपयोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं आप। घाव हो गया है या फिर नाक में, कान में इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बट आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो आपका डायरिया, डिसेंट्री, ये सब में आपको इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से जानवर में आप इसे नहीं दे सकते। जो प्रेग्नेंट एनिमल है, प्रेग्नेंट एनिमल में आप इस दवाई को बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो इसका अब हम डोज रेट की बात करते हैं कि इसे किस जानवर को कितना देना है। अगर हम बात करें गाय भैंस की तो आपको एक टैबलेट सुबह शाम देने हैं, मतलब सुबह एक टैबलेट और शाम को एक टैबलेट, 3 से 5 दिन के लिए आपको कम से कम ये देना है। और अगर जानवर का वजन जो है वो 100 kg से कम है तो उन जानवरों के लिए आपको डेढ़ टैबलेट सुबह और आधा टैबलेट आपको सुबह देना है और आधा टैबलेट आपको शाम को देना है। 100 kg से छोटे जैसे कि आपका बछड़े हो गए उनमें, और अगर आप बात करें बकरियों की या फिर भेड़ों की, कुत्तों की, जिनका वजन कम से कम 20 से 25 ग्राम होता है, तो उस कंडीशन में आपको एक टैबलेट को चार हिस्से में ब्रेक करने के बाद उन्हें पूरे दिन में आपको उसी तरह से फीड करना है, ठीक है, सुबह शाम करके आपको फीड करना है 3 से 5 दिन के लिए। 3 से 5 दिन से आपको ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करना है, 3 से 5 दिन में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और इसका प्राइस लमसम आपका 119 से 120 रुपए तक ही पड़ेगा एक पैकेट में। टोटल 4 टैबलेट्स रहते हैं तो ये अराउंड आपको 119 से 120 रुपए में देखने के लिए मिल जाएगा। और इस फॉर्मूले की जितनी भी दवाई है वो सारे का डोज रेट सेम है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब लाइक भी कर सकते हैं। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं हमसे। वी आर अवेलेबल फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।